बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 5 की न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस पर है और बच्चों आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 4 एनवायरमेंटल पोल्यूशन इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सब मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 46 को ओपन कर लें ताकि आप लोग मेरे साथ एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। Which of the following is biodegradable? इनमें से कौन से ऑप्शन है, इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के हिसाब से? तो वो है जी पोटैटो पील, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो वेजिटेबल्स हैं उनके छिलके जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, तो इसीलिए पोटैटो पील भी, पोटैटो एक वेजिटेबल है और पील का मतलब उसका छिलका। What does it means if something is non-biodegradable? इसका वो पूछ रहे हैं कि non-biodegradable का मतलब क्या चीज़ है। It will not decompose, जो कि decompose ना हो सके, जो कि मिट्टी के अंदर जाकर मिक्स ना हो सके। Which of the following causes air pollution? एयर पोल्यूशन की क्या वजूहत हैं? Burning coal, exhaust fumes, smokes या फिर all of these। All of these आएगा, ये तीनों ही वजूहत हैं। Which of the following causes एयर पोल्यूशन वाला हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वाटर पोल्यूशन कौन कौन सी चीज़ें कॉज कर रही हैं? ऑल ऑफ अबव, यानी बर्निंग फॉसल फ्यूल, थ्रोइंग रबिश इन वाटर, यूजिंग टॉक्सिक केमिकल्स ऑन प्लांट्स। ये तीनों जो हैं ऑप्शन करेक्ट हैं, इसीलिए डी ऑप्शन पे हमने टिक किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री आर्स? वो कह रहे हैं 3 Rs जो रूल है उसमें इन चारों में से कौन सा नहीं है? रीप, REAP, रीप, बी ऑप्शन। ट्रू फॉल्स की तरफ चलते हैं। मटीरियल विच डिकम्पोज नेचुरली आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल। ट्रू। true. Oil spills and leaks in the ocean causes air pollution, false. Glass and materials are good, two examples of biodegradable material, false. Land pollution does not have any effect on plants and animals' life, false. The ozone layer of the atmosphere protects the earth from the harmful rays of the sun, true. Half of the earth is covered by water, false. 70% है नहीं है, 70% है। Water pollution may also cause infectious diseases like cholera and typhoid. True. Paper is an example of non-biodegradable material. False. Gold is an example of biodegradable material. False. Some natural disasters like flood and landslides are a result of environmental pollution. True. Next page पर चलते हैं जिसमें हमारे पास है find out। पहला question है, आपने बताना है कि आप जो है स्कूल के अंदर अपना जितना भी वेस्ट है वो किस तरह से डिस्पोजल कर सकते हैं और इसके अलावा और उसको उस निज़ाम को बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका आंसर देखिए, लिखें। Separating waste is the first steps in managing your school rubbish. Set up bins for different kinds of waste and make sure that right bins are used. ये वाला। फिर हम B को पार्ट को how long does it take for different materials to decompose? Decompose होने के लिए किस मटेरियल को कितना टाइम लगता है? जैसे पेपर को लगता है 2 to 5 months, कॉटन को लगेगा 6 months और ऑरेंज पील्स को लगेगा 6 months। तो ये आपने लिख देना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें आपने एनवायरनमेंट और पोल्यूशन इन दोनों को जो है आपने डिफाइन करना है। सबसे पहले देख लें द सराउंडिंग और कंडीशंस इन विच अ पर्सन एनिमल्स और प्लांट लिव इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। फिर पोल्यूशन आ जाता है, इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटीरियल्स इन टू द एनवायरनमेंट। ये पोल्यूशन की डेफिनेशन आ गई। अब हम चलते हैं टेबल की तरफ जिसमें आपने लैंड, एयर और वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड लिखना है। उसके कॉजेज़ हैं, उसके इफ़ेक्ट्स हैं और वे टू रिड्यूस है। मैंने आपको जो है ना पॉइंट्स में लिखवा दिया, इसीलिए लिख दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। यहाँ देखिए लैंड पोल्यूशन के लिए आप कॉजेज़ में लिखेंगे डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग और इंडस्ट्रीज़। फिर इफ़ेक्ट्स में लिखेंगे डैमेज टू हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, सॉयल पोल्यूशन। वेस्ट टू रिड्यूस में क्या है? प्लांट मोर ट्रीज, रीयूज मटेरियल्स, क्रिएटिंग अवेयरनेस। फिर एयर पोल्यूशन की बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और ओजोन है। ये 3 गैसेस हैं जो कॉजेज हैं। उसके बाद इफेक्ट्स में हम कहें तो लंग डिजीज़ है, कॉजिंग एसिड रेन है, होल्स ऑन ओजोन लेयर है। वे टू रिड्यूस में आ जाता है डू नॉट बर्न योर गार्बेज, केयर फॉर ट्रीज, यूज लेस एनर्जी। वाटर पोल्यूशन के कॉजेज हम पढ़ लेते हैं, ऑयल स्पिल्स है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। इफेक्ट्स में क्या है, डैमेज या डिस्ट्रॉय एक्वेटिक लाइफ, या फिर है दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। वे टू रिड्यूस में आता है यूज लेस प्लास्टिक, पिकअप पेट वेस्ट, कंजर्व वाटर। तो बच्चों ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।